मी एंड योर कमेंट में आपका स्वागत है। पिछले सप्ताह से हम आपके कमेंट का जवाब वीडियो के द्वारा दे रहे हैं और आप लोगों का प्यार हमें लगातार मिलता रहता है। आज हम फिर उन कमेंट का जवाब लेकर के हाजिर हैं। शनिवार से लेकर के आज 2:32 तक का जो भी कमेंट आया है उसका जवाब हम आपको वीडियो के द्वारा देने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा कि मेरा ये सेगमेंट जो मैंने चालू किया है आपको कैसा लगता है। एक दिन पहले यानी कि ये देख सकते हैं यहाँ पे सनी कुमार वन डे एगो यहाँ पर है, उन्होंने लिखा आई लव पटना। ठीक उसके जस्ट पहले यानी कि दूसरे दिन पहले विकास कुमार कहते हैं वन वीडियो ऑन पटना मोहली एलिवेटेड रोड। तो विकास सर पटना मोहली का मैंने अपडेट दे दिया है। अब चलिए ऊपर चलते हैं। सनी कुमार लिखते हैं आई लव माई पटना ऑल्सो सर, मैं भी अपने पटना से अपने बिहार से अपने देश से बहुत प्यार करता हूँ और उसकी तरक्की उन्नति देखना चाहता हूँ। यहाँ पे रेखा यादव है, ये पहली बार मेरे भी चैनल पे कमेंट की है। उन्होंने लिखा है वाओ पेटा ये जो बना है ये ESICU हॉस्पिटल है उस पर उन्होंने कमेंट किया है। थैंक यू मैडम हमारे चैनल को देखने के लिए और कमेंट करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि आप आगे भी हमारे चैनल पे कंटेंट को देखती रहेंगी। यहाँ पे अमरकांत भाई हैं दिस वीडियो इज कॉपीराइट लिखते हैं, ये कैसे ये लिखते हैं भगवान जाने, क्योंकि ये जो भी है विशुद्ध हमारा वीडियो है तो ये कैसे इन्होंने ऐसा लिख दिया है ये तो अमरकांत जी ही जाने, इसका मैंने इनको जवाब नहीं दिया है। विक्की राज कॉन्ग्रेचुलेशन, मैंने गोप्रो हीरो 9 का अनबॉक्सिंग किया था उसी पे इन्होंने कहा है गोप्रो हीरो 9 मैंने ले लिया है तो इन्होंने लिखा है कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सर आपको भी थैंक यू सो मच। रवीश राज लिखते हैं कि ये GPO का जो फ्लाईओवर का जो इनॉग्रेशन हुआ था उस दिन का लिया गया ये वीडियो है, उस पर लिखते हैं कि फिर भी CM नीतीश कुमार से लोग गुस्सा में रहते हैं पता नहीं क्यों। संतोष कुमार लिखते हैं गुड वर्क, थैंक यू सर थैंक यू सो मच। फिर अब अभिषेक कुमार लिखते हैं इन द सेंस डमी ब्रिज जो इनॉग्रेशन के टाइम CM ने देखा था उसका डेमोंस्ट्रेशन कीजिए। ज़रूर सर मैंने उसका बना लिया है वीडियो और उसका अभी अपडेट मैं जल्द ही दूंगा। उसके बाद रजनीश कुमार लिखते हैं न्यू गांधी सेतु का हाजीपुर में कहाँ पर निकलेगा उसका न्यू अपडेट दीजिए। कोशिश करूँगा सर रजनीश सर मैं उसका अपडेट देने का। पंकज कुमार लिखते हैं नीतीश जी सही काम कर रहे हैं, बिल्कुल सही काम कर रहे हैं और सही मायने में विकास तो हुआ है अपने प्रदेश का। दीपक कुमार लिखते हैं वेल्डन, थैंक यू सर थैंक यू वेरी मच। अरविंद कुमार लिखते हैं आधुनिक बिहार के शिल्पकार, जी सर थैंक यू सर अरविंद सर। फिर अभिराज कुमार गोप्रो हीरो 9 पे अपनी प्रतिक्रिया देते हैं और कहते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू वेरी मच सर। उसके बाद अरविंद कुमार लिखते हैं विकास के जादूगर नीतीश कुमार, काफ़ी पॉजिटिव कमेंट आया है GPO गोलंबर GPO आर ब्लॉक फ्लाई ओवर के इनोग्रेशन के बाद काफ़ी पॉजिटिव कमेंट आया है। ऐसे तो आता ही है लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा आया है और ये अच्छी बात है। पिंकू प्रसाद लिखते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू सर थैंक यू। गोल्फ इंडिया दिल्ली मोबाइल एसेसरीज बाकरगंज पटना, थैंक यू सर, इन्होंने अपना दुकान का नाम शायद लिखा है। फिर अशर रहमान लिखते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू अशर सर थैंक यू वेरी मच। फिर रोहित जी शर्मा लिखते हैं बिहार ट्रेड टावर का अपडेट दीजिए सर, जरूर सर कोशिश करूंगा सर। उसके बाद विक्रम राज लिखते हैं 120 किलोमीटर आरा मोहनिया 4 लेन का भी कार्य प्रारंभ है, इसके अतिरिक्त आरा बाईपास भी भविष्य की मांग है। हालांकि जब तक बक्सर गाजीपुर 22 किलोमीटर के एलिवेटेड सड़क नहीं बन जाए तब तक पूर्वांचल एक्सप्रेस वे संपर्क कठिन रहेगा, बिल्कुल सही सर। और आरा मोहनिया और आरा बक्सर रोड का अपडेट भी मैं दूंगा, उसका वीडियो मैंने बना लिया है बस एडिट करना बाकी है। जब मैं बक्सर जा रहा था तो गलती से आरा मोहनिया वाले सड़क पर भी चला गया था तो दोनों का एक साथ क्लैप करके मैं वीडियो डालूंगा। राहुल गोस्वामी लिखते हैं बिहार में इतने गंदे लोग कि कुछ दिन में थूक कर नरक बना देंगे,
राहुल सर आप विश्वास करिए, वो इसे गंदा नहीं करेंगे। अभिषेक सिंह लिखते हैं, कुछ भी हो बिहार के लिए नीतीश ही सही है। ये अच्छी बात है, नीतीश सर के आने के बाद विकास तो गति पकड़ा है अपने प्रदेश में। फिर ब्लिसफुल बिहार लिखते हैं, पटना में गंगा के किनारे जो पोर्ट है उस पर वीडियो बनाइए, बहुत ज़रूरी है वो बिहार के लिए। ज़रूर सर, कोशिश करूँगा सर, अगर उसकी अनुमति मिल जाएगी तो मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। आई लव माई इंडिया लिखते हैं, भगवान के लिए अपने सिटी और देश को साफ रखें और सरकार के सहयोग करें। देश तभी तरक्की कर सकता है जब जनता साथ देती है। बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही कहा आपने। ये मैं अपने वीडियो में, लगभग सभी वीडियो में ये कहता हूँ। विकास कुमार ने सिंबल भेजा है गुड का, थैंक यू सर। उसके बाद यहाँ पर रोशन पांडे लिखते हैं, इंद्र सेन जी, जब कोई प्रोजेक्ट फर्स्ट टाइम दिखा रहे हो या जो नया हो और कोई नहीं दिखाया हो, ऐसे प्रोजेक्ट को मैप पर समझाया कीजिए। सर कोशिश करूंगा रोशन सर, मैं आपकी इस डिमांड को पूरा करने का। मैप पे अगर मैप मिलता है तो उस पर समझाने का। वैसे इसमें प्रोजेक्ट मैनेजर जो है इस वीडियो में, मीठापुर मोहली एलिवेटेड रोड जिसका अपडेट मैंने कल रात में दिया है, इसके प्रोजेक्ट मैनेजर जो है उन्होंने काफ़ी सरल भाषा में समझाने की कोशिश की है। आप पूरा वीडियो देखें, जरूर देखे होंगे, तो उससे भी आपको आसानी हुआ होगा समझने में। फिर उसके बाद लिखते हैं रोशन पांडे, आपका चैनल देखने वाले पटना के बाहर के ही नहीं बिहार के बाहर के भी हैं, तो हम जैसों को लोकल एरिया का ज़्यादा नॉलेज नहीं होता है। हम लोग को मैप से ही समझता है। एक बार समझ गया तो आगे से मैप नहीं रहेगा तो भी चलता है। सर मुझे अच्छा लगा सर कि आप बिहार से बाहर के हैं और आप ये चैनल देखते हैं। हम मैप पे भी समझाने की कोशिश करेंगे इस प्रोजेक्ट के बारे में। तेज नारायण जी लिखते हैं, नाइस वीडियो, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। कुमार शांतनु लिखते हैं, सर थैंक यू ये अपडेट देने के लिए। हम जो न्यूज क्लिप आपको भेजते थे उससे रिलेटेड प्रोजेक्ट मैनेजर से क्वेश्चन पूछे, देखकर बढ़िया लगा सर। ये शांतनु सर हैं जो हमेशा कुछ कुछ अपडेट जो है अखबार में आता है उसके माध्यम से हमें अपडेट करते रहते हैं, और मुझे भी मदद मिलती है इनसे और काफ़ी मदद मिलती है। उसी पे इन्होंने लिखा है कि आपने ये कमेंट किया है। विक्की कुमार लिखते हैं, थैंक्स सर जी, वीडियो अपलोड आज पूरा नहीं लिख पाए हैं, आपका भी आभार सर कमेंट करने के लिए। पिंटू कुमार लिखते हैं, टारगेट ही 3 ईयर्स का दिया है, प्लीज पैसे नहीं रिलीज करेंगे ना, इसलिए पैसे दे तो 1 ईयर में भी पॉसिबल है, 5 साल तो लग ही जाएगा। सर अब कितना समय लगेगा और क्या लगेगा? 1 साल में तो 8 किलोमीटर एलिवेटेड रोड बनाना थोड़ा सा टेढ़ी खीर हमको लगता है। वैसे आज के युग में कुछ भी संभव है, तो अब क्या है क्या नहीं है ये तो उतना अंदर में नहीं जाता हूँ, बस मुझे अपने प्रदेश में हो रहे कामों की जानकारी आप लोगों तक पहुँचाने का लक्ष्य रहता है, वही उद्देश्य है मेरा। आयुष लिखते हैं, यहाँ पे रिजवी रजा लिखे हैं कि आयुष अटल पथ पर रनिंग ट्रैफिक के नहीं था और सिर्फ 3 फ्लाईओवर बनना था, यहाँ 6 किलोमीटर एलिवेटेड रोड बनना है, टाइम तो लगेगा ही। ये लोग आपस में ही बात कर रहे हैं तो इस पे हम ज़्यादा ये नहीं करेंगे। आयुष सर ने उसका जवाब दिया है। फिर सोनू कुमार, 2024 में लोकसभा चुनाव है, तब तक बना तो ठीक, नहीं तो फिर 2025 तक विधानसभा चुनाव से पहले इनोग्रेशन होगा। सब लोकतंत्र है। तो एक ये है यहाँ पे पिंटू कुमार के, 8 किलोमीटर रोड के लिए 3 ईयर्स का टारगेट ज़्यादा है, 2 साल का टारगेट देना चाहिए। सर क्या देना चाहिए ये तो नहीं पता है, तो वहाँ पे सभी बुद्धिजीवी लोग हैं और हम लोग से ज़्यादा ज्ञान रखते हैं, तो वो सोच समझ कर ही समय लगा होगा। और मैंने देखा है कल काफ़ी पेड़ हैं, काफ़ी बिजली की तारे हैं, बिजली के खंभे हैं, उसे हटाने में समय लगेगा, पेड़ों को शिफ्ट करना है दूसरे जगह पे, तो सर समय तो लगेगा इसमें। यहाँ पे है अब ऊपर से ट्रैफिक भी चालू रहना चाहिए उसमें।
अभिषेक मेहरोत्रा लिखते हैं, प्लीज गिव अपडेट ऑफ मीठापुर करबिगहिया फ्लाईओवर, मीठापुर करबिगहिया फ्लाईओवर। सर इसका वीडियो मैंने बना लिया है और उसका भी अपडेट हम आपको जल्द ही देंगे, वीडियो मैंने बना लिया है। उसके बाद रौनक श्रीवास्तव लिखते हैं, पटना साहिब तरफ कोई डेवलपमेंट वर्क हो रहा है क्या? सर पटना साहिब में जो मालसलामी बस स्टैंड है उसका निर्माण चल रहा है वहाँ पर, और जो म्यूजियम बन रहा है उसका जो वीडियो बन दिया है वो तो चल ही रहा है, और भी पटना साहिब में काम चल रहा है, गंगा पथ का जो काम चल रहा है वो तो चल ही रहा है, और भी कई काम चल रहे होंगे जिसकी जानकारी हमें नहीं है। फिलहाल ये तीन तो मैंने देखा है अपनी नज़रों से। आशीष कुमार लिखते हैं, ऑलवेज फर्स्ट, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर, कोशिश रहती है कि पहली बार हम आप लोग को खबर दें। अमित कुमार लिखते हैं, प्रणाम, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, चंद आपको भी प्रणाम। चंदन पासवान लिखते हैं, नाइस वीडियो सर, उसके बाद उन्होंने प्रणाम का सिंबल दिया है, थैंक यू सर। चंदन सर आपको भी मेरा प्रणाम। उसके बाद प्रशांत कुमार सिंह लिखते हैं, सिटी को जॉय कोलकाता कितना सौरव बा बंगाल में ज्ञान बा सिटी ऑफ मल्टी सुपर फ्लाई फ्लाई ओवर नो रेगना रगदना टकराना रोड रेज डम फ्लाई एकदम फ्लश फ्लोर 295। अभी ये हमें समझ में नहीं आया, प्रशांत सर माफ़ कीजिएगा, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। उत्सव राज लिखते हैं, सर दानापुर बेटा एलिवेटेड रोड का स्टेटस बताइए। कोशिश करूंगा सर दानापुर बेटा एलिवेटेड रोड का अपडेट देने का, क्योंकि वो भी अपडेट मैंने अभी तक नहीं दिया है, ये नीचे चला गया, इसको थोड़ा सा ऊपर लाना होगा। उसके बाद यहाँ पे अखिलेश कुमार लिखते हैं, सर NH 22 सराय का अपडेट दीजिए ना सर। सर कई अपडेट में दिया हूँ, एक हफ्ता पहले भी उसका अपडेट दिया हूँ। सोनू कुमार जवाब देते हैं, सराय फ्लाईओवर मोटरेबल हो गया है, साइड बैरियर नहीं बना है, आई कैम बाई बाय 26 मार्च, होली के पहले चालू होने का संभावना मैंने व्यक्त किया था और शायद हो भी गया होगा चालू, लेकिन उसका भी अपडेट देने की कोशिश करूँगा। दुर्गेश कुमार लिखते हैं, थैंक यू सर, आपने मेरे रिक्वेस्ट स्वीकार किया। सर कोशिश रहती है कि आप लोग के हर डिमांड को पूरा करूँ, किसी में सफल हो पाता हूँ, किसी में असफल हो जाता हूँ, तो हमें खुद ख़राब लगता है कि आप लोग का रिक्वेस्ट हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं। धीरज कुमार लिखते हैं, बिलीव ऑन नितिन गडकरी जी, वन ऑफ द बेस्ट लीडर इन BJP। शुक्रिया सर कमेंट करने के लिए। उसके बाद दीपक सिन्हा लिखते हैं, थैंक यू सर, इस प्रोजेक्ट के अपडेट आगे भी देते रहिएगा। ज़रूर सर, अभी तो ये शुरुआत है, पहला वीडियो है मीठापुर मोहली रोड का, उसका भी अपडेट आपको हम समय समय पर देते रहेंगे। मोहम्मद सफरुद्दीन हमेशा की तरह इस बार भी इसी का सैम्पल भेजे हैं, समझ में तो नहीं आता है, लेकिन शुक्रिया सर कमेंट कर रिप्लाई करने के लिए। आयुष जी ने हर्ट भेजा है, डबल हर्ट, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। उसके बाद राहुल कुमार लिखते हैं, विल के कीप इट अप, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। उसके बाद अमरेंद्र कुमार नाइस लिखते हैं, शुक्रिया सर। अनिल शर्मा लिखते हैं, थैंक यू इंद्र सिंह जी, आई वॉज वेरी क्यूरियस अबाउट योर दिस अपडेट फर्स्ट टाइम इन YouTube, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। उसके बाद आरती सक्सेना लिखती हैं, ये बहुत दिन से हम क्या बोले, हम खुद शर्मिंदा है। आरती सक्सेना मैडम लिख रही हैं, अपडेट ऑन बख्तियारपुर रजौली 4 लेन रोड ऑन नवादा। ओके मैम, नवादा में काम चालू हो गया ये पता है हमें, वहाँ पे प्रोजेक्ट ऑफिस भी लग गया है, हम बस होली के बाद कोशिश करेंगे हम जा करके सबसे पहले वो अपडेट देने का। सोनू कुमार लिखते हैं, पटना डोबी 4 लेन जो सरिस्ताबाद से स्टार्ट होना था उसका काम क्यों रुका है? सर वो बन जाता तो इस रोड पर ट्रैफिक जाम खत्म हो जाता, फिर ये नया एलिवेटेड रोड की ज़रूरत भी नहीं थी होती। सर जो एलिवेटेड रोड बन रहा है ये वहाँ तक बन रहा है जहाँ से 4 लेन जो है कनेक्ट हो रहा है, और वहाँ 4 लेन क्योंकि टर्न कर जा रहा है वो उस तरफ पेट्रोल पंप के पास से मैंने कल देखा था, उसका वीडियो भी मैंने बनाया है, पटना गया डोभी जो 4 लेन रोड है उसका भी अपडेट मैं आपको दूंगा। तो ये जो एरिया बच रहा था 7-8 किलोमीटर मोहली से सिपारा का, वहाँ पे मुझे उसकी ज़रूरत महसूस हुई है। वैसे आप लोग उधर ज़्यादा रहते हैं तो आप लोग को ज़्यादा जानकारी होगा। राहुल सर बढ़िया अपडेट सर जी, थैंक
थैंक यू सर जी। अमन कुमार लिखते हैं, अपडेट देने के लिए थैंक्स, आपका भी शुक्रिया सर। अमन सर, इसी तरह आप लोग का प्यार मिलता रहे और वीडियो को आप लोग शेयर करते रहें, यही इच्छा है। अमन कुमार फिर लिखते हैं, सर परसा थाना के पास नहीं आया। सर परसा तो गया था मैं, परसा क्या, मैं कल पुनपुन तक गया था, और पुनपुन में भी जो लक्ष्मण झूला बन रहा है, जो पुल बन रहा है, उसका भी अपडेट मैं देने जा रहा हूँ, वो भी यूट्यूब पर पहली बार आप लोग के सामने होगा। अमन कुमार फिर लिखते हैं, माई होम, अच्छा सर आपका घर था, हमें मालूम नहीं था। अमन कुमार फिर लिखते हैं, और मोहली पेट्रोल पंप के पास से गया डोभी का रोड कनेक्शन है। जी सर, मैंने उसको शूट किया है और उसका भी अपडेट मैं हम आप लोग को देंगे। फिर यहाँ पे अमन कुमार लिखते हैं, उसका भी अपडेट, जी सर मैंने अब शूट कर लिया है, वो भी आप लोग के सामने प्रस्तुत होगा। मिराज आलम लिखते हैं, सर आप बक्सर में नाइट में किसके साथ वीडियो शेयर किए थे, वो मैंने देखा था। सर वो वीडियो मैंने शेयर नहीं किया है, वो द वे फॉर यू के जो अरुण मेहता हैं, जिनके साथ मैं बक्सर गया था, वो उन्होंने शेयर किया है, मेरा हमने अभी तक नहीं किया है। अभी बक्सर वाले ट्रिप का 3 वीडियो बचा हुआ है, उसका भी अपडेट देना बाकी है। रिजवी रजा लिखते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर लुक्स लाइक इरफान खान। जी सर, काफ़ी शोबर नेचर के लगे हमें भी प्रोजेक्ट मैनेजर, और काफ़ी डाउन टू अर्थ हैं, अच्छा लगा उनसे मिलकर के हमें भी। मनोज कुमार लिखते हैं, सर थोड़ा ग्राफिक्स के साथ रोड मैप की जानकारी ऐड करेंगे। सर GFX पे मैंने काम नहीं किया है, फिर भी हम कोशिश करेंगे आपको इसकी जानकारी देने का। ये इन्होंने न्यू 4 लेन जो अप्रोच रोड है ठीका सुनपुर ब्रिज का, उसके बारे में इन्होंने अप्लाई किया। पंकज कुमार लिखते हैं, थैंक्स फॉर अपडेट। थैंक यू सर, आपका आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जितेंद्र प्रसाद लिखते हैं, काशी विश्वनाथ बाबा की नगरी बनारस वाराणसी बागी बाग बलिया भारत का सरताज उत्तर प्रदेश इंडिया, स्वराज 40 डेज अहेड स्वराज। थैंक्स सर रिप्लाई करने। आदित्य शर्मा लिखते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम है सर जी, 8 किलोमीटर रोड के लिए 3 साल टाइम, इसका टाइम मैक्सिमम 1 साल ही होनी चाहिए ठीक, ये नहीं तो इससे और किलोमीटर है। सर मैं पहले ही इस वीडियो के बारे में बता चुका हूँ कि ये डिस्टेंस और ये समय तय करते हैं, पर बड़े बड़े अधिकारी बैठते हैं और फिर वहाँ पे सब कुछ देख करके ये तय किया जाता है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। द नीरज कुमार 82 लिखते हैं, दानापुर टू मीठापुर बस स्टैंड मेट्रो प्रोजेक्ट अपडेट प्लीज। ओके सर, जरूर सर, उसका भी अपडेट देने की कोशिश करूँगा। काफ़ी पुराने वीडियो पर मुकुल आनंद जी कमेंट करते हैं, मुकामा मुंगेर 4 लेन रोड पर क्यों काम नहीं हो रहा है, कृपया इस पर वीडियो बनाए। कोशिश करूँगा सर, कोशिश करूँगा उसका भी अपडेट देने का। शुभम कुमार चौबे लिखते हैं, न्यू लेन की चौड़ाई कुछ कम मालूम पड़ रही है वीडियो में, ये मैंने अभी तुरंत थोड़ी देर पहले लाइव किया है। गांधी सेतु का जो ट्रस है वो 46 नंबर पाया पे 46 और 45 पर पैरेलली रख दिया गया है, वो जो दिख रहा है आपको, ये वीडियो भी ज़रूर देखिएगा अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो। उसी पे उन्होंने ये किया, तो सर मैं बता दूँ कि चौड़ाई कम नहीं होगा क्योंकि ये बैलेंस करके दोनों तरफ रखा जाता है, तो इसमें हमें नहीं लगता है कि वो कम होगा। एके पी लिखते हैं, हैप्पी होली सर जी, जय श्री राम। आनंद कुमार बहुत आप कहाँ से हैं सर जी? सर मैं आनंद सर मैं पटना से हूँ और पटना जिले का ही रहने वाला हूँ। सोनू कुमार लिखते हैं, दिघवारा शेरपुर पुल, कोशिश करूँगा सर, रिंग रोड का हिस्सा है और बहुत लोगों को इस पुल का इंतज़ार है, कोशिश करूँगा उसका भी अपडेट देने का। सोनू कुमार लिखते हैं, डियर इंद्रसेन जी, योर वर्क इज अवेसम बट प्लीज़ अपडेट ऑफ पटना मेट्रो। जरूर सर, अपडेट तो वैसे मैंने ज़्यादा दिन कुछ दिन पहले ही उसका दिया हूँ, आप चाहे तो देख सकते हैं, फिर भी मैं उसका अपडेट दूंगा। सनी कुमार लिखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोड बनने जा रहा है। बिल्कुल सर, और आपको बता देते हैं कि इसके ऊपर 4 लेन और नीचे पूरा वीडियो अगर आप लोगों ने देखा होगा तो आप लोग को समझ में आ गया होगा, क्योंकि अगर ये वीडियो ज़रा सा भी आप लोगों ने स्किप किया होगा
तो आपको समझ में नहीं आएगा कि कहाँ से कहाँ तक का क्या है। पंचम ठाकुर लिखते हैं, पटोरी हाजीपुर रेलवे लाइन का ब्रिज डबल लेन जो हो रहा है, जरूर सर, उसका भी काफी दिन से अपडेट मांगा जा रहा है। राजेश ठाकुर लिखते हैं, वाओ, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सुधांशु सिंह लिखते हैं, कैमरा बहुत ज़्यादा ही हिल रहा है। सर कैमरा नहीं हिल रहा था, पुल का शेकिंग था, वो जो सस्पेंशन होता है उस टाइप का वो था, वो हिल भी रहा होगा क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा ये है। प्रशांत कुमार सिंह लिखते हैं, बिहार ट्रेड सेंटर 0 वर्क पाटलिपुत्र बट एयरटेल बिग बिल्डिंग बिहाइंड रेडी 40 ब्रिज ऑलमोस्ट डन ऑन वन बाय वन सुन पेंडिंग प्रोजेक्ट लाइक राजगीर फिल्म सिटी सुन टेक ऑफ एंड मेनी मोर न्यूज न्यू सीएम ओनली इन 2023 एडी लोकसभा इलेक्शन मोदी योगी प्लस वेस्ट बंगाल। सर मुझे समझ में नहीं आया आपने क्या बोला, सॉरी प्रशांत सर, लेकिन आप अच्छा लिखते हैं, हमेशा कमेंट करते हैं, उसके लिए अच्छा लगता है। राजेश ठाकुर लिखते हैं, पैदल चलने वालों को चलने वाला नहीं बनेगा क्या सर? बनेगा सर, वो बाहर से बनेगा, जब इधर ये कंप्लीट हो जाएगा तब उसके बाद बाहर से उसका ज्वाइंट होगा, जहाँ तक मुझे जानकारी है। नागेंद्र राज लाइक का और 100 का कमेंट किए हैं, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। तरुण से लिखते हैं, वी लव योर अपडेट्स एंड प्रेजेंटेशन, थैंक यू सर, थैंक यू तरुण सर। अभिराज लिखते हैं, ये स्मार्ट सिटी का क्या हुआ, कुछ तो कुछ हो रहा है भी या अब होगा ही नहीं पटना स्मार्ट सिटी। सर उसके लिए चल रहा है, कई जगह पे काम चल रहा है और काम दिखने लगता है, तभी लोगों को लगता है काम हो रहा है, लेकिन अंदर ही बहुत काम होता है। निशांत पीयूष लिखते हैं, हैप्पी होली सर, सेम टू यू सर, थैंक यू सर, आपको और आपके पूरे परिवार को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। गौतम क्लासमेट लिखते हैं, जय नीतीश, जय बिहार, जय बिहार सर। अभिषेक कुमार लिखते हैं, थम भेजा उन्होंने, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। उसके बाद सत्यम प्रकाश, छपरा हाजीपुर 4 लेन का अपडेट दीजिए, वर्क प्रोग्रेस है। ओके सर, कोशिश करूंगा सत्यम सर उसका भी अपडेट देने का। कुंदन कुमार लिखते हैं, नाइस वीडियो, अच्छे प्रस्तुति के लिए आभार। सराय बाजार NH 22 का करंट अपडेट कीजिए प्लीज, अब तक तो रोड पूरा बन गया होगा, सर्विस रोड के बारे में भी कुछ बताइए, धन्यवाद। ओके कुंदन सर, होली कल है, होली के दूसरे दिन कोशिश करेंगे उसका अपडेट देने का। और गोलू कुमार लिखते हैं, आप ग्लास ब्रिज को कवर क्यों नहीं कर रहे हो, पहले भी नहीं किया और अब इनोग्रेशन भी हो गया है तो भी नालंदा यूनिवर्सिटी अपडेट। सर गोलू सर, जिस दिन इसका इनोग्रेशन था उस दिन हम आधे रास्ते से लौट करके चले आए थे, क्योंकि उस दिन भारत बंद था जिसके कारण हमें वापस लौटना पड़ा और हम नहीं जा पाए, कार से जा रहे थे और जब तक लौटे तब तक बाइक से जाने का समय नहीं था, क्योंकि 11 बजे टाइम दिया हुआ था वहाँ पे इनोग्रेशन का, और हम यहाँ पे लौटे थे काफ़ी समय हो गया था, और उससे हम कैलकुलेट किए तो हमको लगा कि हम वहाँ पर 1 बजे तक पहुँच पाएंगे तो कुछ कवर नहीं होगा, कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए हम वापस लौट आए, लेकिन हम उसका अपडेट देंगे। नयर वारिस लिखते हैं, हैप्पी होली सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, आपको भी होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। मोहम्मद सफरुद्दीन भी उसी तरह का फिर सिंबल भेजते हैं, शुक्रिया सर, सफरुद्दीन सर। विकास राज लिखते हैं, गुड जॉब सर, आई विश यू ए वेरी हैप्पी एंड कलरफुल होली टू यू एंड योर फैमिली, थैंक यू सर, एंड सेम टू यू एंड योर फैमिली सर। उसके बाद जितेंद्र सिंह लिखते हैं, आपका वीडियो बिल्कुल अच्छा लगा, अच्छी जानकारी है, शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। बस सर आप लोग से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि जब वीडियो अच्छा लगे तो उसे शेयर जरूर किया कीजिए, और लोगों को जानकारी होना चाहिए कि बिहार में क्या काम हो रहा है। राठौर रॉय लिखते हैं, अपडेट देने के लिए थैंक यू, शुक्रिया सर, आपको भी। राठौर रॉय लिखते हैं, आए थे जी सर, गया था। फिर राठौर 37 पाए के पास क्यों नहीं रुके? सर ऊपर ऊपर आया था, नीचे से नहीं आया था सर, 37 नंबर पाया पे कैसे रुक जाता।
उसके बाद गौतम कुमार जी लिखते हैं, सर पूरी डिटेल दीजिए सर जी, और आप मॉर्निंग में शूट करिए, आप अपना भी ध्यान दीजिए, बहुत धूप है। सर धूप है लेकिन पता है हम जब घर से बाहर निकलते हैं तो कम से कम 4 गिलास पानी यानी कि 1.25 लीटर पानी पीते हैं। कल हम पुनपुन गए थे और पूरे धूप में ही काम किए, तो पुनपुन में गन्ने का रस बिक रहा था, तो वहाँ पे लगभग 2 गिलास जो बड़ा वाला गिलास होता है उससे मैंने 2 गिलास गन्ने का रस पिया और लगभग 2.5 बोतल पानी पिया है, तब जाकर के शरीर में ठंडक बनी रही है। वाकई में काफ़ी धूप है लेकिन काम है, अपडेट देना है तो थोड़ा सा तो ये करना पड़ेगा, लेकिन आपने मेरा ख्याल रखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद गौतम सर। रंजीत कुमार लिखते हैं, रंजीत कुमार रंजन लिखते हैं, सर प्लीज शो ऑल अनाउंस्ड न्यू मेडिकल कॉलेज। कोशिश करूंगा सर, वो भी मेरे टारगेट में है। फिर उन्होंने मुझे विश किया हैप्पी होली सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर, एंड सेम टू यू सर। नीरज कुमार भी हैप्पी होली सर लिख रहे हैं, आपको भी होली की ढेर सारी शुभकामनाएं सर, और आपको आपके परिवार को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। अच्छे से होली खेलिए और जबरन किसी को रंग नहीं लगाइए, और कीचड़ वगैरह का तो नहीं उपयोग कीजिए क्योंकि उसमें कंकड़ पत्थर रहता है, उससे रिस्क रहता है। रौनक श्रीवास्तव लिखते हैं, बढ़िया है, शुक्रिया सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। अनुपम कुमार लिखते हैं, थैंक्स फॉर द अपडेट ऑफ माई साइड प्रोजेक्ट, थैंक यू अनुपम सर, आप भी बने रहते हैं। यू नो ये हैं जो पिछले जो वेस्टर्न फ्लैंक के जब तोड़ा जा रहा था तो काटने वाले यही हैं, वही उतारते थे सुपर स्ट्रक्चर को, ये हैं अनुपम जी। ओशी हर यादव लिखते हैं, हैप्पी होली सर, थैंक यू सर, एंड सेम टू यू सर। फिर उसके बाद राहुल कुमार लिखते हैं, वाइल यू शूटिंग कीप योर सेफ्टी इन प्रायोरिटी। यस सर, सेफ्टी ज़रूरी है और सेफ्टी रहेगा तभी आप लोगों तक अपडेट पहुंच पाएगा। तो यही अपडेट है अभी तक, 8 मिनट एगो ये अभी समय हो गया है, 2:30, 2:30 तक जो भी कमेंट आया एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ, अगर और भी कोई कमेंट आया हुआ होगा तो वो दिख जाएगा, अगर नहीं आया होगा तो नहीं दिखेगा, आया हुआ है तो इसको थोड़ा सा और हम ये करते हैं। यहाँ तक पे नहीं किया था, अभी लेटेस्ट कमेंट कुछ आया है। द इमरकी लिखते हैं, सर प्लीज़ गो नेचर सफारी राजगढ़। यस सर, ज़रूर जाऊँगा सर। रामजी शाह लिखते हैं, हैप्पी होली सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर, एंड सेम टू यू सर। अमरकांत भाई लिखते हैं, सर आपका वीडियो कॉपीराइट हो रहा है। कौन सा वीडियो सर? अमरकांत सर आपने नीचे भी एक कमेंट किया, क्या कृपया बताएंगे कि कौन सा कॉपीराइट हो रहा है? क्या आप इस सड़क की चौड़ाई पता कर सकते हैं? सर 4 लेन की चौड़ाई है इसकी, ऊपर ऊपर भी और नीचे भी। विकास सर लिखते हैं कि क्या आप इस सड़क की चौड़ाई पता कर सकते हैं? तो 4 लेन का है और ऊपर भी 4 लेन है और नीचे भी 4 लेन है। और अमरकांत भाई आप ये कमेंट कॉपीराइट वाला बार बार कर रहे हैं, इससे पहले भी एक बार किया है आपने, ये विशुद्ध कंटेंट मेरा है तो आप इसे कॉपीराइट कैसे कह सकते हैं? थोड़ा सा आप कमेंट में बताने की कृपा करें। तो यही है, एक बार और रिफ्रेश कर लेता हूँ, शायद और कोई कमेंट आया हो, और अगर नहीं आया होगा वो भी 2:32 तक अगर कोई कमेंट आया होगा तो आ जाएगा, फिर आ गया है। कुमार शांतनु जी ने लाइक किया है, हर्ट दिया है, सिंबल को मैं एक बेसिकली मैं समझ नहीं पाता हूँ ज़्यादा, तो थैंक यू सर कुमार शांतनु सर, थैंक यू वेरी मच। अभी 17 सेकंड पहले 2:32 पे 2:32:29 पे ये कमेंट आया है, मतलब 17 सेकंड पहले। तो यही है अपडेट, अब इसके बाद का कमेंट इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि उसे एडिट भी करना होता है, इसलिए हम नहीं कर पाते हैं। तो यही अपडेट, उम्मीद है आपको आपके कमेंट का जवाब मिल गया होगा। स्क्रॉल करने में, ऊपर नीचे करने में कभी कभी कुछ छूट भी जाता है, कमेंट आगे पीछे हो जाता है तो पता नहीं चलता है। अगर किसी किन्हीं का छूट गया होगा तो उसके लिए हमें माफ़ कीजिएगा, हम आगे से ध्यान रखेंगे कि ना छूटे। अगर नहीं छूटा है, आपके कमेंट का जवाब मिल गया है और आपको
मैंने जो जवाब दिया है वो आपको अच्छा लगा हो तो अपनी अपनी प्रतिक्रिया हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, और वीडियो को शेयर किया कीजिए, क्योंकि वीडियो को शेयर करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करेंगे तो बिहार के विकास की तस्वीर जन जन तक नहीं पहुँच पाएगी, तो आपका शेयर करना बहुत ज़रूरी है। हम आपको लगातार बिहार के बारे में, बिहार के विकास के बारे में, बिहार में हो रहे कामों के बारे में अपडेट देते रहते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ताकि हर बेटा को समय पर मिलती रहे, बिहार के विकास की तस्वीर आप तक पहुंचती रहे। उसके लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। सब्सक्राइब करने के बाद हम फिर मिलेंगे किसी और नए अपडेट के साथ। नमस्कार, जय भारत, जय बिहार, स्वच्छ बिहार, सुंदर बिहार। आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएँ।